नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है और ये है कैड का थ्रिली लेक्चर दोस्तों, जिसके अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैड के अंदर ये शेल कमांड। जी हाँ, शेल कमांड का काफी यूज है और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कैड के अंदर इम्प्रिंट कमांड। तो शेल कमांड और इम्प्रिंट कमांड का यूज किस तरह से करना है, ये प्रैक्टिकली ये दोनों इंपॉर्टेंट कमांड, इसलिए मैंने इस लेक्चर में ली है। ये कैड के सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें कैड का 3D लेक्चर चल रहा है हमारा। तो 5 लेक्चर तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पे ऊपर जो कॉर्नर में आई दिख रहा है आपको, उस पे आप क्लिक करके बाकी के लेक्चर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कैड ऑलरेडी ओपन है और मैं आपको दिखाऊं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका व्यू चेंज करना है। जी हाँ, मैं इसे ले रहा हूँ एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू में। लेने के बाद यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा, जैसे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो रेक्टेंगल मैं हमेशा जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ड्रॉ करो, डी इंटर 20x10, इसे समझ लेना बहुत जरूरी है। क्लिक कर दो, जेड इंटर और ई इंटर कर दो दोस्तों। इस तरह से ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। तो अब हम इसे करेंगे एक्सट्रूड, एक्सटी इंटर, फिर हम इसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों और फिर राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रूड करेंगे। इसकी हाइट दे देंगे हम, सपोज यहाँ पे दे दिया मैंने हाइट 6, तो आपको दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल यहाँ पे बन चुका है। तो ये 20x10 का रेक्टेंगल है और ये बॉक्स बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे UCS जो आया है वो मुझे हटाना है दोस्तों, मतलब इसे UCS को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रखना है। तो मैं जाऊंगा व्यू टैब में, व्यू टैब में क्लिक करने के बाद ओरिजिन पे क्लिक करूंगा और UCS की यहाँ पे क्लिक करता हूँ, UCS यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल अभी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सॉलिड करना चाहता हूं तो होम टैब में, यहाँ पे आपको पता है ये 3D वायर फ्रेम की जगह आपको रियलिस्टिक लेना है, यहाँ पर रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये सॉलिड दिखाई देगा। तो ये तो ब्लैक आ रहा है, अगर मुझे ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट चाहिए तो मैंने बताया था राइट क्लिक जाओ, ऑप्शंस में क्लिक करो। राइट क्लिक ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद डिस्प्ले आ जाता है दोस्तों। डिस्प्ले के अंदर आप अगर यहाँ पे देखेंगे कलर्स ऑप्शंस है और कलर्स ऑप्शंस में आप यहाँ पे करेंगे ब्लैक तो ये हो जाएगा इसका बैकग्राउंड ब्लैक दोस्तों, इस तरह से। तो बैकग्राउंड ब्लैक और ऑब्जेक्ट व्हाइट इस तरह से हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते तो कर लीजिए। अब मैं आगे क्या करना चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं आज इस टूल का यूज, शेल कमांड का यूज। तो शेल कमांड का यूज देखने के लिए पहले क्लिक करना है इस पे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहां पे आप देखेंगे हमेशा, अगर आप, मैंने बोला है पहले से, अगर आप नए हो कैड में या कैड 3D या कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर रहे हो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कमांड का, मतलब मेरा कहना है कि हमेशा आपको कमांड लाइन पे ध्यान देना है कि कमांड क्या आई है यहाँ पे। तो कमांड लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्ट 3D सॉलिड, चलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ सॉलिड सिलेक्ट कर दिया है मैंने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके, फिर मैं राइट क्लिक बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे दोस्तों। राइट क्लिक करने के बाद एंटर बटन प्रेस करूंगा, एंटर करने के बाद फिर से मैं कमांड लाइन पे पढ़ूंगा कि क्या आ रहा है। एंटर सेल ऑफसेट डिस्टेंस, सेल ऑफसेट डिस्टेंस यानी सेल का ऑफसेट कितना करना है आपको। तो ये टोटल मेरा 20x10 का ऑब्जेक्ट है और इसका हाइट मैंने यहाँ पे 6 दे दिया है, तो मैं यहाँ पे 0.5 का ऑफसेट उसे दे रहा हूँ। 0.5 के ऑफसेट से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। 0.5 ऑफसेट करने के बाद यहाँ पे इसे एग्जिट करने के लिए दो बार एंटर आप प्रेस करेंगे, बस 0.5 का ऑफसेट दे देंगे और इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो आपको दिख रहा है डबल लाइन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ऑफसेट हो चुका है। तो आगे हम करेंगे क्या, आगे हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड कर देंगे दोस्तों। तो एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड फेसेस आपको पता है मैंने एक लेक्चर में बताया, फिर भी यहाँ पे देख लो एक्सट्रूड फेसेस, यहाँ पे ऊपर का फेस या कोई भी साइड का एक फेस मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और जितने का मैंने ऑफसेट मारा था 0.5 का उतना मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे -0.5 दे दूंगा, -0.5 कमांड लाइन में देख सकते हैं आप। एक्सट्रूड फेसेस -0.5 एंटर दो बार करूंगा डबल एंटर और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस इस तरह से हो रहा है। तो ये शेल कमांड की मदद से होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट अंदर से पूरा एम्प्टी हो जाता है, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट पूरा अंदर से एम्प्टी है। अब चाहिए तो एक्सट्रूड कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, अभी देखिए एक्सट्रूड फेसेस मैं इस साइड से करता हूं, मतलब सभी साइड से आप एक्सट्रूड फेसेस यहाँ पे कर सकते हैं, बस आपको -0.5 दे देना है। तो क्लियर है दोस्तों कैसे करना है, -0.5 एक्सट्रूड फेसेस से आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, मतलब एक्सट्रूड फेसेस पे आप क्लिक करेंगे बस एक्सट्रूड हो जाएगा, लेकिन पहले शेल क्या रहेगा। तो ही तो शेल कमांड आपको ऑब्जेक्ट को इंटरनली पूरा एम्प्टी कर देता है जितने का आप ऑफसेट कमांड देते हो, मतलब जितना साइज का ऑफसेट देंगे उतने का वो ऑल बन जाएगा और अंदर पूरा एम्प्टी रहेगा ऑब्जेक्ट। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को एम्प्टी करना है तो शेल कमांड का यूज कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसके शेल के बाद मैं आपको इम्प्रिंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए उसके लिए मैं सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे सी इंटर यहाँ पे क्लिक करूंगा और 10 रेडियस का एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये बड़ा हो गया। आप एक्सट्रूड करेंगे इसे ईएक्सटी इंटर, एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट को 3D करने के लिए एक्सट्रूड करना पड़ता है, 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड कर लिया इस ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे 6 का दे देते या कुछ भी आप दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं या इम्प्रिंट कैसे होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लेयर में अगर कलर देना चाहता हूं तो मैं ऐसा कलर दे सकता हूं, मैं आपको कलर दिखा देता हूँ। कलर देने के लिए कलर फेसेस ऑप्शन है और जो कि यहाँ से आप ले सकते हैं उसको, कलर फेसेस मैंने पुराने लेक्चर्स में बता दिया वैसे भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर फेसेस लेने के बाद फेस पे क्लिक करना ऊपर के, राइट क्लिक एंटर,
अभी आप देखेंगे तो ये पूरे फेस को कलर आ जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें लेयर्स हो जाए, मतलब अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर की शेडिंग्स मुझे तैयार करने हैं। तो मैं करूंगा क्या, मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा। जैसे कि पहला सर्कल मुझे पता है यहाँ पे जो रेडियस थी पहले सर्कल की, मैं सेंटर पॉइंट वही ले लूंगा। पहले सर्कल की रेडियस थी यहाँ पे 10, तो मैं दूसरा 8 का सर्कल ले रहा हूँ। फिर मैं एक सर्कल ले रहा हूँ यहाँ पे 6 का सर्कल ले रहा हूँ। ऐसे आप अलग अलग सर्कल यहाँ पे लेयर्स तैयार कर सकते हैं 4 का, और ये सब मुझे इसके ऊपर इम्प्रिंट करना है, मतलब इसमें मुझे कलर यहाँ पे अलग अलग शेडिंग पे कलर ये करना है। तो डायरेक्टली मैं कलर करूंगा तो सबके लिए एक ही कलर आएगा, लेकिन मैं इम्प्रिंट करूंगा यहाँ पे। दोस्तों इम्प्रिंट ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, तो इम्प्रिंट यहाँ से लेते हैं, ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है इम्प्रिंट, जो कि यूजफुल कमांड है। कैसे मैं आपको बताऊं इस लेयर को शेडिंग कैसे आएगा, आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको 3D सॉलिड सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कमांड पे आया था 3D सॉलिड सेलेक्ट करने के लिए आ गया। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट, तो जो ऑब्जेक्ट इम्प्रिंट करना है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक कमांड, जैसे आप सिलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट को वैसे लिख के आएगा डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट और यस और नो। तो सोर्स ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, बस उसका इम्प्रिंट शैडो मतलब इम्प्रिंट जो होगा वही रखना है। तो यस एंटर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आपको अभी मैं आपको सिंपली दिखा देता हूं दूसरा भी ऑब्जेक्ट करने के लिए आया है, कमांड आगे कंटिन्यू है सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट करके आप सब इम्प्रिंट कर सकते हैं, एक एक सिलेक्ट करना है यहाँ पे एट अ टाइम। तो यहाँ पे ये सभी ऑब्जेक्ट एक एक करके सिलेक्ट करके मैंने इरेज ऑब्जेक्ट करके वाई एंटर कर दिया, वाई एंटर इरेज ऑब्जेक्ट, तो ये हो चुका है और राइट क्लिक करूंगा मैं, ये अभी इम्प्रिंट हो चुका है, मतलब यहाँ पे ये सर्कल नहीं रहे इसके ऊपर इम्प्रिंट हो गया, वो आपको ऐसे पता चलेगा। दोस्तों कलर फेसेस ले लीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये कलर यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा फेस मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कलर फेसेस, और यहाँ पे दूसरा फेस सिलेक्ट हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे इसको मैं इस तरह से शैडो कलर मतलब अलग अलग कलर शेडिंग्स आप दे सकते हैं किस तरह से ये कलर्स आपको देने हैं। तो ये हर एक शेप के लिए यहाँ पे जो सर्कल मैंने ड्रॉ किए थे उसके अंदर आ जाएगा। तो ये एक अलग ट्रिक से अलग तरीका है इम्प्रिंट करने का ऑब्जेक्ट को। तो इम्प्रिंट ऑब्जेक्ट एक यूजफुल कमांड है जो कि आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से शेडिंग कलर्स वगैरह दे सकते हैं, मतलब आप कोई भी 2D ऑब्जेक्ट उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन लाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा था, तो 3D ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर शेडिंग्स मैंने 2D से कर ली। तो इम्प्रिंट कमांड और शेल कमांड दोनों भी यूजफुल कमांड है दोस्तों। तो शेल और इम्प्रिंट की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करना दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको जरूरत है उनको पता चलने दो कि कैड की सीरीज 3D सीरीज मेरे चैनल पे है और वो भी लोग देखेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा, बाय बाय। ये करके दिखाओ ये, फिर ये, अब ये।